और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं की आज बैठक है और छत्तीसगढ़ प्रभारी अनिल जैन ये बैठक लेंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी इसमें शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि संगठन महामंत्री पवन साहब भी इसमें रहेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक होगी और इसमें मंथन भी किया जाएगा और चुनाव को लेकर रणनीति बन सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक आज होने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी अनिल जैन बैठक लेंगे और बैठक में तमाम जो दिग्गज नेता बीजेपी की, हम बात करें डॉक्टर रमन सिंह की, विक्रम उसेंडी की, धरमलाल कौशिक की, पवन साय की, ये सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए लगातार हेमंत शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेमंत, जैसा हम देख रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ गए हैं और ऐसे में आज बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है, तो क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है आज की बैठक में? देखिए शरद, जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान छत्तीसगढ़ में हो गया है, 21 दिसंबर को पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय का चुनाव एक ही चरण में संपन्न होगा और 24 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। पहली बार नगरीय निकाय का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। इसके अलावा यहाँ पर नोटा का भी ऑप्शन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने दिया है, तो सरगर्मियां अब तेज हो गई है तीनों राजनीतिक पार्टियों, कांग्रेस, भाजपा और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, तीनों पार्टियों के बीच सरगर्मियां तेज हो गई है। और आज इसी सिलसिले में जो छत्तीसगढ़ भाजपा कांग्रेस भाजपा के जो प्रभारी हैं अनिल जैन, वो आज रायपुर पहुंच रहे हैं। एक बड़ी बैठक प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं की वो लेंगे। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, जो संगठन मंत्री महामंत्री पवन साय और प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, ये तमाम जो दिग्गज नेता है उस बैठक में शामिल होंगे। 11 बजे से ये जो पूरी बैठक है वो प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित होगी। मेन मकसद इस चुनाव का ये है, क्योंकि 6 दिसंबर को अंतिम दिन रहेगा नामांकन भरने का, तो ऐसे में पार्टियों की कोशिश है कि पहले ही जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा वहां पर कर दिया जाए। तो उसको लेकर आज गहन चिंतन मनन किया जाएगा कि किस किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को पार्षद का टिकट देना है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, तो ऐसे में जो पार्षद की भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। तो इस लिहाज से पार्टी की मकसद यही है कि एक अच्छे और एक तरीके से मजबूत दावेदार को यहाँ पर उतारा जाए और वो दावेदार पार्षद का चुनाव जीतने के बाद जो अध्यक्ष चुना जाना है उसमें अपनी सहभागिता नजर आए। तो ये आज बीजेपी की बड़ी बैठक यहाँ पर होगी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। इसके अलावा और तमाम फिर लगातार बैठकों का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत इस जानकारी के लिए। यानी कि आपको बता दें कि आज बीजेपी की बैठक है, बहुत अहम बैठक है और इसमें तमाम जो दिग्गज नेता है, हम बात करें डॉक्टर रमन सिंह की, विक्रम उसेंडी की और तमाम जो नेता है वो इसमें शामिल होंगे और साथ में जो आगामी नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर रणनीति बनाई जा सकती है।